3 महीने से कोई नहीं आया फिर? आप ही बस भूले भटके यहाँ आ जाते हैं, वरना कोई शक्ल भी नहीं दिखाता। 2 बार अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन हर बार जैसे ही मस्जिद और उर्दू पर नजर पड़ती है बस कागज दबा दिया जाता है। कितने कनेक्शन चाहिए होंगे आपको? ये तकरीबन 45 बच्चे हैं हमारी देखरेख में। 45 बच्चे हैं जी। ये बेचारे सब 2002 के दंगों के यतीम हैं। सच तो ये है कि इससे कहीं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा, मैं खुद आऊंगा यहाँ पे। शुक्रिया। बेटा माचे से यहाँ पे कहीं? मुझे नहीं पता। एक भी नहीं, क्या हम एक आदमी भी नहीं ढूंढ सकते हैं? देखो हैदर, इमाम साहब, वो हामिद को जरा बाहर लेके जाना था। दयाल वो कुछ अलग सा लड़का है। देखिए आप फिक्र मत करिए, रात होने से पहले ही उसको यहाँ पे ले आऊंगा वापस। हामिद, दयाल, 3 मार्च 2002 की रात में तुम कहाँ थे? मतलब मैं आपका मतलब मैं समझा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। याद नहीं? तुम्हारी आंखों के सामने जुबैर बेकरी में 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया और तुम्हें याद नहीं? तुम वहां थे कि नहीं? हमें था वहां पे। और तुमने उन लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? देखिए वहां पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोगों के होने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाता दयाल? देखो दयाल, तुम्हारे पास फिर मौका है उन लोगों को इंसाफ दिलाने का। तुम मानवाधिकार कमीशन के सामने गवाही दो और हत्यारों के नाम बताओ। आप क्यों पुराने जख्मों को कुरेद रहे फिर से? जख्म तुम्हारे या उन लोगों के जो आज तक इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहे हैं? मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम वहां थे कि नहीं? थे कि नहीं? खतरनाक लोग लगते हैं बेटा ये, अभी कुछ दिन तो वहां मत जाना।
तुम्हारा नाम क्या है? दयाल सिंह। चलो जला आगे जला। पेटी में क्या है? कपड़े सामान है। Any witness from your side? जज साहब, साहब जैसे बेकरी जलन लग गई तो एक लड़की वहां से बाहर आई। ये राम सिंह और अवतार चंद दोनों उसके पीछे गए और उसको जबरदस्ती कंधे पे उठा लिए। वो बहुत चीखी चिल्लाई लेकिन कोई आगे नहीं आया उसकी मदद के लिए। साहब इन लोगों ने मेरे को भी साथ में चलने को कहा लेकिन मैं नहीं गया। और कुछ नहीं साहब, इस हादसे के बारे में तो और कुछ नहीं। तो फिर कौन सा हादसा? उस हादसे के बारे में साहब जो इससे दो दिन पहले हुआ। बाल! बाल! आ छोकरो तमारू छे ये बच्चा तेरा है? ले चल। मैं उन तीनों को तो नहीं जानता साहब, लेकिन उस चौथे इंसान को जरूर जानता हूं। वो मैं था। मैंने उस बच्चे को छुआ तक नहीं साहब, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं। और कुछ? साहब से बात करते हैं। हाँ बोलो ना दया, बोलो। लेकिन मुझे यहाँ से अभी दूर जाना होगा, माँ और हमिद के साथ। मैं हमिद को अपनाना चाहता हूँ हमसे। लेकिन यार भाई हमिद तो देखिए, हमिद की परवरिश वैसे ही करूँगा जैसे यहाँ पे होती है। वो मुसलमान ही रहेगा इमाम साहब। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो और किस पर करूंगा दया? ठीक है, तुम शाम को आ जाना। हामिद बेटा झाड़ू दे दो। हामिद, 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 हामि